नमस्कार, मैं अनुराग, आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये स्पॉट ऑन बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है, जिसके वजह से आप लोग अपने डॉग के बॉडी से टिक्स, फिलिया का जो एग होता है और साथ ही साथ जो लाइस होता है उससे छुटकारा पा सकते हो। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मैंने इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको यूज़ करके फिर एक्सपीरियंस देखता हूँ कि क्या होता है। कई सारे लोगों ने यूज़ किया तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, इसलिए ये स्पॉट ऑन में यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि ये स्पॉट ऑन कैसे यूज़ करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, ये स्पॉट ऑन बहुत सारे ब्रांड का आता है, जिस भी ब्रांड का आपके पास वाले पेट शॉप में मिल रहा है आप लोग ले सकते हो। और दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर मेन चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, तो आप अपने डॉग को लीक करने के लिए ना दें, या फिर आपके घर में कोई और डॉग है तो उसके इसके बॉडी में टच करने के लिए ना दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप अपने डॉग के माउथ में कुछ लगा सको तो बेस्ट है, अगर नहीं लगा सको तो आप उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखिए ताकि वो लीक ना करे। एक बार जब सूख जाएगा उसके बाद काम बन जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है कि अगर आपका डॉग लार्ज ब्रीड का है तो 3 जगह यूज़ करना है, और अगर मीडियम ब्रीड का है तो उसको मात्र 2 ही जगह यूज़ करना है, और अगर स्मॉल ब्रीड का है तो उसको मात्र 1 जगह यूज़ करना है। हर ब्रांड में स्मॉल के लिए अलग, लार्ज के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग अलग आता है, तो आप लोग ले लीजिएगा वेट के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करना है दोस्तों कि इस स्पॉट ऑन को मैं 3 जगह लगाऊंगा, क्योंकि ये लार्ज ब्रीड का डॉग है, जर्मन शेपर्ड। तो सिंपली यहाँ से इसका माउथ तोड़ना होता है। यहाँ से माउथ हटाने के बाद आप अपने डॉग के जहाँ पे कॉलर ख़त्म होता है वहाँ पे डालना है, एक पीठ पे, और एक जहाँ से पूंछ स्टार्ट होता है वहाँ पे देना है, ठीक है। और जब तक ये सूख जाए तब तक आप अपने डॉग को थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखिए। तो यहाँ पे आप लोग कॉलर के पास रख सकते हो, नॉर्मली एकदम बाल हटा करके नीचे रखना है, ठीक है। हाँ, बाल हटा के नीचे रखना है ताकि ये पूरा स्किन पे लगे, बाल पे मत लगाइएगा। और उसके बाद एक मिडिल में लगाना है, ठीक है, और एक सबसे लास्ट में पूंछ पे लगाना है, बेटर होगा। इसको लीक करने के लिए नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखिए। अगर मजल हो तो वो लगा दीजिए, ठीक है, बेटर रहेगा। आप लोग इसका नाम बुलाओ, नैन्सी करो, गुड गर्ल, नो नैन्सी। और दोस्तों, ये सब डाइवर्ट कर रहे हैं तो मैं इनको यहाँ पीछे पीठ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आजा आजा, कम ऑन, गुड गर्ल गुड गर्ल। अब दोस्तों, मैंने फिनिश कर दिया, इधर आजा नैन्सी, कम ऑन, आजा। अब दोस्तों, ये इरिटेट ना हो या फिर आपका डॉग इरिटेट ना हो कि क्या कुछ नया तो नहीं लगाया जा रहा है, उसके वजह से आप लोग इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके रखिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्यार कीजिए और उसको सूखने दीजिए, थोड़ी देर में वो सूख जाएगा। गुड गर्ल नैन्सी, हाउ आर यू, गुड गर्ल। दोस्तों, ये स्पॉट ऑन यूज़ करने के बाद थोड़ा सा स्मेल कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मरा हुआ चूहा है, इस टाइप का स्मेल कर रहा है। मतलब हो सकता है कि आप जो स्पॉट ऑन यूज़ करें उसका स्मेल अलग हो, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते। खैर, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही प्यारा सा। और साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे मिलेगा, और बाद में बेल के आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। पोजिशन ठीक है, फोटो खींचबो, एक पोजिशन।